बच्चे देश का भविष्य होते हैं, बच्चे ही देश के कर्णधार हैं, उनके कंधों पर पूरे देश की जिम्मेदारी है। ऐसी कई बड़ी बड़ी बातें हम बड़े लोगों के भाषणों में सुनते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो इससे कोसों दूर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटे बच्चों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार अथवा दुराचार ना हो, इसके लिए कई योजनाएं और कई संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके बच्चों के साथ होने वाले अन्याय कम होने का नाम नहीं ले रहे। यदि आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2019 में सीएम सिटी में 574 ऐसे बच्चे पेश किए गए जो कि किसी ना किसी कारण से अपने परिवार से बिछड़ गए थे। इनमें से कुछ बच्चे घर से भाग गए थे तो कुछ मानव तस्करी और बाल मजदूरी का शिकार हो गए थे। इन बच्चों में 529 बच्चों को CWC की मदद से उनके परिजनों तक पहुंचाया गया है, जबकि 33 बच्चे CCI में रह रहे हैं तथा 8 बच्चे सरकारी मदद के कारण अपना काम चला रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भले ही सरकार द्वारा मासूमों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कड़े नियम और कानून बनाए गए हैं, कई योजनाओं को चलाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके मासूमों के साथ होने वाले अत्याचारों की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। करनाल ही नहीं, आप कहीं भी देख सकते हैं, आपको छोटे छोटे बच्चे किसी ना किसी दुकान पर काम करते मिल जाएंगे। इसमें गलती कहीं ना कहीं बच्चों के माता पिता की भी है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चों की प्रथम पाठशाला उनका अपना घर होता है। इसके अलावा मासूम बच्चियों के साथ दुराचार के मामले भी कम नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि इन सब से निपटने के लिए तथा मासूम किसी आपदा या विपदा का शिकार ना हो, अब कानून सख्त हो गए हैं। CWC अब एक्शन मोड में है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो मासूम बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित रखेगा। यदि मासूमों के साथ अत्याचार हुआ तो मौजूदा कानूनों के तहत जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे समाचार एक्सप्रेस में। आपको बता दूं कि मैं इस समय मौजूद हूं CWC के कार्यालय में और मेरे साथ CWC की पूरी टीम मौजूद है, जिसमें CWC के चेयरमैन उमेश चानना जी भी मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि बच्चे देश का भविष्य कहते हैं, बच्चों को देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में बच्चों जो देश के कर्णधार हैं, जिनके ऊपर आने वाले समय में देश की जिम्मेवारी आनी है, उनके कंधे कितने कमज़ोर हो रहे हैं, कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन इन सबको रोकने के लिए CWC हर ज़िले में बनाई गई, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जिसका नाम है। इसमें अगर कोई भी बच्चा आपको अपने आस या पड़ोस में किसी भी आपदा या विपदा में दिखता है तो आप CWC से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी एक हेल्पलाइन है जिसको 1098 कहा जाता है। आप उसको 24x7 काम करते हैं। यदि आप उसके ऊपर कॉल करके बता सकते हैं कि यहाँ पर ये बच्चा है, उस बच्चे के बारे में आप उनकी थोड़ी सी जानकारी अगर 1098 पर देंगे तो 1098 की टीम उस बच्चे को रेस्क्यू कर लेगी और उस बच्चे का जो भविष्य है वो अंधकार से निकल कर रोशनी की ओर चला जाता है। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं उमेश चानना जी, जो कि CWC के चेयरपर्सन हैं। उमेश चानना जी, सबसे पहले आपका समाचार एक्सप्रेस में स्वागत है सर। आप लोगों का स्वागत है जी। आप लोगों के माध्यम से एक बढ़िया बात लोगों तक पहुँचेगी, आप लोगों के समाचार चैनल के माध्यम से, ये एक बधाई का विषय है। सर, अक्सर देखने में आता है, करनाल ही नहीं हर जगह पर यह देखने में आ रहा है कि जो बच्चे नाबालिग हैं, जिनके लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर रखी है कि इनसे किसी भी तरह को कोई काम नहीं लिया जा सकता, लेकिन वो बच्चे, कोई बच्चा भीख मांग रहा है, कोई बच्चा सड़कों पर है, कोई बच्चा सड़कों के कोने पर बैठा भीख मांग रहा है, और कोई बच्चा चाइल्ड लेबर में है तो कोई ट्रैफिकिंग के थ्रू यहाँ पर आ रहा है, ऐसे बच्चों को आप कैसे रेस्क्यू करते हैं और इनके लिए, इनको इनके परिवार तक अगर मिलाना हो तो उसके लिए आपके द्वारा क्या क्या प्रयास किए जाते हैं? देखिए, इसके लिए कई सारी टीम्स बनी हुई हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है एक, उसका काम यही है कि कहीं से भी बच्चा कोई आपदा विपदा में ग्रस्त हो वो लेके आए और हमारे सामने उस बच्चे को पेश करे। इसी तरह 1098 की टीम है चाइल्ड लाइन की, 10, 9, 8 जिसको कहना ज़्यादा ठीक लगता है क्योंकि ये उल्टी गिनती है, बच्चों को बहुत जल्दी याद हो सकती है। तो 10, 9, 8 पे कभी भी कोई भी किसी भी बच्चे के विषय में समाचार दिया जा सकता है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस की एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट काम करती है, जो कि बच्चों को ढूंढना, बच्चों को किसी भी आपदा विपदा में ग्रस्त हों उनको लेके आना। इसके अलावा कोई भी भारत का नागरिक उन बच्चों को 1098 पे फ़ोन करके उन बच्चों को वहाँ पहुँचा सकता है, हमारे पास भी ला सकता है। उसके बाद उसके उचित देखभाल और संरक्षण की व्यवस्था करना चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का काम है।
सर अक्सर अब जो आज के समय में मौजूदा हालातों को अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं एक तो चाइल्ड लेबर के या फिर बच्चियों के साथ दुराचार के मामले सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं जिनको पोक्सो एक्ट के तहत आप लोग मतलब उनको करते हैं कवर करते हैं। सर चाइल्ड लेबर को अगर रोका जाए रोकना हो तो सर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड लेबर के जो केसेज अगर हम करनाल की तरफ ही नज़र मारें तो करनाल में हमें हर चौराहे पर हर चौक पर कहीं ना कहीं ऐसा बच्चा मिल जाएगा जिसकी काम करने की नहीं पढ़ने लिखने की उम्र है। एक तरफ सरकार नारा देती है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन एक तरफ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो शिक्षा से तो वंचित हैं, अधिकारों से वंचित हैं, लेकिन वो बाल्यावस्था में ही जिसमें जिस उम्र में जो उम्र उनके खेलने कूदने की और पढ़ने की है उस उम्र में वो किसी दुकान पर बर्तन साफ कर रहे होते हैं या फिर लोगों की झाड़ खा रहे होते हैं। सर ऐसे बच्चों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब उनके लिए आप समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी आमजन से अपील है, समाज से ये अपील है कि कहीं भी बच्चा किसी भी आपदा विपदा में ही नहीं, कहीं भी बच्चा कोई चाइल्ड लेबर करता भी दिखे तुरंत वो 1098 पे फ़ोन करें, 1098 से टीम आएगी उस बच्चे को रेस्क्यू करेगी। बच्चे देश का भविष्य हैं, हमें इस काम को बड़ी ही सावधानी से बड़ी ही निगरानी पूर्वक करना चाहिए। सर कितने वर्ष तक का बच्चा चाइल्ड लेबर नहीं कर सकता? 14 साल से नीचे का बच्चा तो काम कर ही नहीं सकता, कोई भी किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकता। 14 से 18 साल तक का बच्चा कुछ काम ऐसे हैं जिनको छोड़कर वो काम कर सकता है, उसमें भी कुछ गाइडलाइंस हैं जैसे कि 3 घंटे सुबह काम करेगा, 3 घंटे शाम को काम करेगा, बीच में उसको रेस्ट की, टॉयलेट की, पढ़ाई की सुविधा सारी होनी चाहिए, तभी मेडिकल की, तभी वो काम कर पाएगा 14 से 18 तक का। लेकिन 14 से 18 वाला भी हजार्डस काम नहीं कर पाएगा, जैसे कोई केमिकल का काम है, कोई भट्टी के ऊपर काम है, वो काम 14 से 18 वाला बच्चा भी नहीं कर पाएगा। देखिए चान्ना सर ने हमारे को बताया कि 14 वर्ष तक का बच्चा कोई भी किसी भी तरह काम नहीं कर सकता, लेकिन 14 से 18 वर्ष तक का बच्चा उनकी जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग काम कर सकता है। उसमें बच्चे की काम करने का समय निर्धारित होगा, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसे मिलनी चाहिए, उसको रेस्ट कितना मिलना चाहिए, सारी की सारी इनकी गाइडलाइंस के अंदर मौजूद है। इसके अलावा सर अगर कोई बच्चा चाइल्ड लेबर करवाता पाया जाता है तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है? देखिए 14 से 18 में अगर कोई चाइल्ड लेबर करवाया पाया जाता है तो उसके लिए उसकी गाइडलाइंस देखी जाएंगी। गाइडलाइंस के मुताबिक अगर काम नहीं हो रहा है तो चाइल्ड के साथ बच्चे के साथ क्रुएल्टी हो रही है, उसमें सेक्शन 75 के अंडर 3 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। और इसके अलावा अगर 14 साल से कम का बच्चा है तो सेक्शन 79 लगेगा बंधुआ मजदूरी का, जो कि बहुत खतरनाक प्रावधान है और इसीलिए भारत में ही वो लागू किया गया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, के किसी भी प्रकार से देश का भविष्य इन लेबर के कामों में ना जाए। इसीलिए आप सबसे मेरी दोबारा अपील है कि आप सब लोग इस काम को सावधानी से करें, अपने देश का भविष्य समझ के करें, तभी हमारा देश का भविष्य बढ़िया होगा, सुखद होगा। देखिए इन्होंने हमें बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि 14 से कम उम्र का बच्चा है उनसे अगर काम लेता है तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, 14 से 18 वर्ष के बच्चों से गाइडलाइंस के बाहर जाकर उनसे काम लेता है तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है। मैं इनके माध्यम से CWC के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से और समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से आम जनता से यह अपील करना चाहूँगा कि यदि कोई भी दुकानदार ऐसे बच्चों से काम ले रहा है कि जो कि बंधुआ मजदूरी के एक्ट के अंदर आते हैं तो वो सुधर जाएं, अन्यथा CWC ऑफ एक्शन के मोड में है। इन्होंने अपनी सारी यूनिट्स का हमें बता दिया किस तरह से इनकी यूनिट्स काम करती हैं और किस तरह से बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फंस जाएँ, क्योंकि इसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। सर इसके बाद हम बात करते हैं पोक्सो एक्ट की, बच्चों के साथ दुराचार के मामले बड़े सामने आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा है जी, इसके पीछे बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी मानसिकता दूषित होती जा रही है। अगर हम एक तरफ तो हम कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और दूसरी तरफ छोटे बच्चों के साथ भी दुराचार करने से बाज नहीं आते, तो ये तो मानसिकता को सुधारना पड़ेगा। हमें हमारे अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देनी पड़ेगी, गुड टच और बैड टच की शिक्षा देनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ अपने जो लड़के हैं उनको भी ये समझाना पड़ेगा कि जब तक हम लोग बच्चों को एक तरफ तो हम कंजकें बिठाते हैं घर में और दूसरी तरफ हम लोग ऐसा भी हमारे देश में हो कि बच्चों के साथ ही दुराचार हो जाए तो ये हमारे लिए शर्म की बात है।
देखिए, इन्होंने बताया कि जो छोटी बच्चियों के साथ दुराचार करते हैं वो छोटी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, वो संकुचित मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। बच्चों को अपने घरों में ही गुड टच और बैड टच के संस्कार देने चाहिए, बच्चों को ही बताना चाहिए। इवन इन्हें इन्होंने कहा कि अपने घर में अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि हमें क्या करना है, किस तरह से हमें सावधानी बरतनी है, किस तरह से हमें आना है जाना है, कहीं भी आना जाना है, और किस तरह से हमें लोगों की पहचान करनी है। सर, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि 2019 में, पिछले अगर हम साल की बात करें, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको आपने रेस्क्यू किया, जिनको आपने उनके परिजनों से मिलवा दिया, या जिनको आपने किसी अदर इंस्टीट्यूट में या अदर स्टेट्स में भेजा? सर देखिए, बड़ी ही खुशी का विषय है कि हमने 574 बच्चे जो थे टोटल रेस्क्यू किए। 574 बच्चों में से 529 बच्चे हमने परिवार के साथ मिलवा दिए, उसमें से 33 बच्चों को हमने इंस्टीट्यूट के अंदर रखा है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट जो हैं हमारे CCIs जो हैं उसके अंदर रखा है, और 8 लोगों को हमने स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के अंदर उनको स्पॉन्सरशिप दी है। देखिए, 2019 में कुल 574 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, जिनमें जिनकी कैटेगरी अलग थी, कोई चाइल्ड अब्यूज़ का था, कोई रन अवे था, घर से भागा हुआ बच्चा था, कोई किसी आपदा में था, तो कोई किसी विपदा में था। ऐसे 574 बच्चों को CWC के सामने पेश किया गया, जिनमें से सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 529 बच्चों को उनके परिजनों से दोबारा मिला दिया, जो कि अपने परिजनों से किसी न किसी कारणवश बिछड़ चुके थे। इसके अलावा 33 बच्चों को इंस्टीट्यूट किया गया है, इंस्टीट्यूशन में दिया गया, और जबकि आठ बच्चों को इन्होंने बताया था कि स्पॉन्सरशिप के तहत उन्होंने कवर कर लिया है। ये CWC का बड़ा ही सराहनीय काम है। अब मेरे साथ बात करने के लिए इस CWC के दूसरे एक और कमेटी के सदस्य मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम है? मीना कंबोज, CWC मेंबर। कंबोज मैम, आप ऐसे लोगों के लिए जो कि चाइल्ड लेबर का काम करवाते हैं, या फिर जो पोक्सो एक्ट के तहत जो बच्चियों से दुराचार का काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या अपील करना चाहिए? मैं CWC मेंबर होने के नाते जो बच्चे लेबर का काम करते हैं और जो उनसे कराते हैं, उनको एक वो देना चाहती हूँ संदेश कि वो बच्चों के भविष्य को अंधकार में ना ले जाके उनको पढ़ाओ लिखाओ, ताकि वो देश का भविष्य बने और उनको लेबर उनसे ना कराएं। मैम, जैसे कोई बच्चा आपके पास आता है, अगर कोई चाइल्ड लेबर का बच्चा आता है, तो क्या आप उसकी काउंसलिंग की जाती है? बिल्कुल, जो हमारे पास बच्चे आते हैं लेबर के, उनको काउंसलिंग करा के उनको समझाते हैं, बार बार काउंसलिंग कराते हैं, ताकि उनको उस जो वो काम करते हैं उसे काउंसलिंग करा के उनको एक पढ़ाई के उस पे या कहीं भी हम एक सही रास्ते पे उनको लेकर आते हैं। पर मैम, ये जो पोक्सो एक्ट है, ये पोक्सो एक्ट क्या है? पोक्सो जो बच्चों के साथ या बच्चियों के या बच्चों के साथ भी जो अब्यूज़ होता है, उसको पोक्सो धारा उनके ऊपर लगती है, तो ये इसके लिए भी अवेयरनेस कैंप लगते हैं, समझाते हैं सबको कि ये ना हो। देखिए, ये थे हमारे साथ CWC के मेंबर कंबोज मैम हैं, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से बच्चों का भविष्य अंधकार में न ले जाकर उन्हें रोशनी की राह दिखाई जाए, उन्हें जो भटक चुके हैं रास्ता उन्हें रास्ते पर लाया जाए। ऐसे बच्चे जिनके साथ दुराचार होता है वो भी CWC की मदद ले सकते हैं। CWC उनकी हेल्प के लिए हमें 24x7 यानी कि 2400 घंटे तैनात रहता है। दूसरा इनकी हेल्पलाइन है 1019, जिसको 1098। इनका कहना है कि सबसे आसान तरीका है बच्चों को याद करवाने का, बच्चा अपने सब बच्चों को याद करवाएं 1098। यदि उनके साथ कोई भी दुर्घटना घटती है या वो किसी भी विपदा में आते हैं, तो वो 1098 पर डायल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। 1098 की जो टीम है वो बच्चे को रेस्क्यू करेगी, CWC के सामने पेश करेगी, उसके बाद CWC सारे मामले को समझेगी, और जहाँ तक संभव हो सकेगा उस बच्चे को उसके माता पिता तक पहुँचाने का और बच्चे की समस्या का निदान करने का प्रयास करेगी। मैम, इस अपनी CWC के बारे में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसका जो काम है वो काफ़ी सराहनीय है, और जो इसका जो इसके पे जो प्रयास किए जाते हैं, जैसा कि सर ने हमें बताया कि 574 में से 529 बच्चों को उनके परिजनों से मिलाया, जो किसी न किसी कारणवश अपने परिजनों से बिछड़ गए थे। ये बड़ा ही सराहनीय काम है, इसमें बड़ा ही प्रयास लगता है। मैडम, ऐसे बच्चों के लिए आप कैसे इनको इनके परिजनों से मिलाने तक मदद करते हैं? जो पुलिस होती है वो इनके परिवार वालों को ढूंढती है और यहाँ पर बुला के हम बच्चों को भेजते हैं, उनसे लिखवाते भी हैं कि बच्चे अपने घर में जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमने जबलपुर में भी एक बच्चे को भेजा है जो अपने घर से बिछुड़ गया था। तो ये काम CWC करती है। बाकी आप पोक्सो के लिए कह रहे थे, मैं उस विषय में एक बात कहना चाहती हूँ कि कुछ परिवार वालों की, माँ बाप का भी इसमें जिम्मेदारी बनती है। संस्कार भी हो गई है आजकल की, हम बच्चों को संस्कार नहीं देते,
अब वो टाइम नहीं रहा। आजकल जो बच्चे होते हैं वो लड़कियां जो होती हैं वो माँ की सहेलियां बन जाती हैं, और जो बेटे होते हैं वो पापा के दोस्त बन जाते हैं। हमें भी चाहिए कि हम बच्चों को सही एजुकेशन दे सकें, उनको बता सकें कि गुड टच और बैड टच का क्या असर होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रथम पाठशाला घर होती है, और घर से ही हम पहले शिक्षा देंगे तभी बच्चे ये समझ पाएंगे कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत। देखिए, इन्होंने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई कि बच्चों की प्रथम पाठशाला उनका अपना घर होता है, घर में जो संस्कार मिलते हैं बच्चा वही सीखता है। अब आज के समय में जो लड़कियां हैं वो माँ की सहेलियां हैं, बेटियां कम और सहेलियां ज़्यादा हैं, इसी तरह जो लड़के हैं वो पिता के दोस्त हैं। इस तरह माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों से फ्रेंडली रिलेशन बनाकर रखें और उनके साथ ऐसा माहौल पैदा करके रखें कि वो अपने साथ होने वाले किसी भी अच्छे या बुरे कार्य को उनके साथ साझा कर सकें। अगर बातें शेयर करेंगे माता पिता के साथ बच्चे तो समस्या बढ़ने के बजाय जल्दी सुलझने के आसार बन जाते हैं। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन समाचार एक्सप्रेस के लिए सनी चौधरी के साथ, धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.